यहाँ पे फ्रेश हरे मटर ली हूँ जिसे मैं बॉइल्ड पानी में ऐड करूँगी। इससे पहले यहाँ पे मैं नमक और चीनी ऐड कर दे रही हूँ। इसमें मैं प्री हीटेड वाटर में हरे मटर डाल दे रही हूँ और इसे ओवर कुक नहीं करना है। जब सारे मटर ऊपर आ जाए तो समझ जाइए कि ये बॉयल हो चुकी है। और अब मैं इसके एक्सेस वाटर को थ्रू आउट कर दे रही हूँ और यहाँ पर मैं आइसी वाटर में डाल दे रही हूँ सारे मटर को। जब ये थोड़े चिल्ड हो जाए तो आप एक्सेस वाटर को थ्रू आउट कर दीजिए। और अब मैं इसे आधे घंटे के लिए अच्छे से ड्राई आउट होने दूंगी। ये ड्राई आउट हो चुकी है तो इसे मैं एक कंटेनर में डाल दे रही हूँ। आप ज़िपलॉक बैग में भी इसे स्टोर कर सकते हैं और आप इसे एक साल तक भी स्टोर करके रख सकते हैं।